अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तवा फिश की रेसिपी। जैसे कि सर्दी है तो सर्दी के मौसम में मछली बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, और आज हम बनाएंगे तवा फिश। इसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मछली को 4 से 5 खाने के चम्मच आटा लगा के रख दिया था, और तकरीबन आधे घंटे के बाद सादे पानी से अच्छी तरह धो लें। मछली 750 ग्राम, दरमियान में से कांटा निकलवा दिया और उसे इस शेप में उसकी कटिंग करवा ली है। सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, अजवाइन 1/2 चाय का चम्मच, पीसी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कूटा सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1/2 चाय का चम्मच, पीसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 3 खाने के चम्मच, बेसन 1 खाने का चम्मच, कॉर्न फ्लोर 1 खाने का चम्मच। फ्राई करने के लिए ऑयल हसबे ज़रूरत, मैंने यहाँ पे 1/2 कप ऑयल ले लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट, लीमू का रस डाल देंगे, गरम मसाला, कूटा धनिया, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, अजवाइन, कुटी लाल मिर्च, नमक, पीसी लाल मिर्च, कॉर्न फ्लोर, बेसन डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसे मछली पे लगा देंगे। मसाला हमने खूब अच्छी तरह मछली पे लगाना है, ताकि तमाम मछली पे अच्छी तरह चारों तरफ मसाला लग जाए। मछली पे मैंने अच्छे से मसाला लगा दिया है। अब मैं इसको एक प्लेट के साथ कवर करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप तकरीबन इसको 30 मिनट के लिए ज़रूर रखें, और उसके बाद आप इसे फ्राई कर लें। तवा चूल्हे पे रख देंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे। तवा जैसे ही कुछ गर्म हुआ है, मैं इस पर डाल रही हूँ ऑयल। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऑयल डाल सकते हैं। तवे पे हमने मछली को डाल दिया है, और दरमियानी आँच पे इसको फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं और एक साइड अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। मछली को दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट पकाएंगे। मछली दोनों साइडों से पक के तैयार हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी की मछली को भी फ्राई कर लेंगे। हमारी आज की बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी तवा फिश तैयार हो गई है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।